नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा पुरुष से जो पूर्व में रिलायंस में मुंबई में जॉब करते थे और 2011 में उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उनके द्वारा कहा गया कि गौ माता उनको आई और उनसे प्रेरणा मिली और उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर से वृंदवासिनी नाम की एक संस्था से वहां से शुरुआत करी और नियत गौ माता की सेवा में और गौ माता के जो वो गौमूत्र होता है और जो भी चीजें गौ माता के जो किसी भी चीज में दूध से जो भी बनता है, जो भी उससे फायदे होते हैं, उसके लिए नियत कार्य कर रहे हैं। और इनके द्वारा लगभग अभी तक पूरे भारतवर्ष में 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी गई है और लगभग 27,000 किलोमीटर ये बाइक यात्रा कर चुके हैं गौ माता के संरक्षण, गौ माता के द्वारा जो जितना उनका मल मूत्र होता है वो जो सकारात्मक कार्यों के लिए कार्य आता है या उनसे जो भी फायदे होते हैं उसके लिए नियत कार्य कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज कृष्ण शुक्ला जी से। नमस्कार कृष्णा जी। नमस्कार, जय गौ माता। तो कृष्णा जी, अभी छोटी पृष्ठभूमि ने बताई आपको प्रेरणा मिली 2011 से जी। तो आपको 2011 से आपने प्रेरणा की, आपकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने कार्य शुरू किया? सर्वप्रथम तो हमने के संस्था शुरू किया, संस्था के माध्यम से कुछ लोगों को जोड़ा, जोड़ने को हमने अपना बात लोगों तक बताई। उसके बाद हमने कुछ प्रोडक्ट भी शुरू किए, धूपबत्ती बनाना और जैविक खाद बनाना, जैविक खाद के द्वारा किसानों को जागृत करना और खेतों में यूरिया के बजाय जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए आह्वान करना किसानों का। उसके बाद धीरे 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 एक गांव के दूसरे गांव के तीसरे गांव करते करते पूरे भारत की हमारी यात्रा हो चुकी है और भारत ने हम नेपाल में भी कई जिलों में अपना प्रचार कर चुके हैं। और जहां तक संभव होता अपना यही होता है कि जर्सी के बजाय देसी गाय का ही लोग दूध प्रयोग करें अपने खेतों में, जैविक खाद का देसी गाय के ही जैविक खाद का प्रयोग करें खेतों में और देसी गाय के ही संवर्धन संरक्षण की बात हम करते हैं क्योंकि हम जर्सी गाय से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि हम जर्सी गाय को एक पुतना के समान मानते हैं और उसका दूध से लेकर हर चीज जहर होता है। तो अपना जहां तक संभव होता है कि हम देसी गाय के ही गौ माता का प्रचार प्रसार करें, वह अपना ये एक लक्ष्य होता है। देसी गाय मतलब जो हमारी भारत की प्रजाति है उस गाय को ना? हमारे भारत की जो प्रजातियां हैं 32 प्रजातियां हैं, गिर, शाहीवाल, गंगा तेरी आदि कई। जैसे आपने अभी बताया कि आप अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, क्या अगरबत्ती में भी कुछ गाय के कोई जी गोबर का प्रयोग किया जाता है इसमें? जी जी कृष्णा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, गोबर का प्रयोग करते हैं हम धूपबत्ती में और जैविक खाद में भी हम गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप जैसे आप इतना नियत इसमें लगे रहे हैं, शायद मुझे लगता है आपने गाय के गोबर और गाय के मूत्र जो गौमूत्र होता है उससे आपने कई चीजों का शोध किया होगा, तो आप थोड़ा बताएंगे आपने इसमें क्या क्या चीजें बनाने की कोशिश करी और इससे कैसे क्या क्या चीज बन जाती? सर, इसमें देखिए गौ माता के गौमूत्र से फिनाइल हो गया जी, गोबर का हो गया और अपना कई चीजें हैं, शैम्पू हो गया, ये सब चीजें हैं गौमूत्र। जी 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 जी, जो कि आजकल कारगर हो रहे हैं, जो हम फिनाइल का प्रयोग करते हैं उसके बाद उससे जगह पे गो फिनाइल आता है, गो फिनाइल हम लोग बनाते हैं जिसे पोछा उछा मारने पर उतने जहरीले भी नहीं होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी
ये अपने लिए कुछ अच्छे ही साबित हुए हैं। आपने गाय के गोबर के बारे में बताया कि गाय के गोबर से हमारी जो जैविक जो हमारा ये बनता है खाद, वो गाय के गोबर से बनती है जी। तो गाय के जो हमारे गोबर से और कुछ भी कुछ संभव है बनना? गाय के गोबर के आखिर इस टाइम तो तमाम चीजें बन रहे हैं, जूते चप्पल भी बन रहे हैं गाय के गोबर के। और अभी तो हमने एक न्यूज देखी थी, न्यूज में जर्मनी या कहीं पे वहां पे उन्होंने कपड़े भी बनाए हैं गौ माता के गोबर से। तो पॉसिबल कुछ भी नहीं, आजकल तो घर भी जो घर के प्लास्टर जो हो रहे हैं वो भी गोबर से ही प्लास्टर किया जा रहा है। क्या वो संभव नहीं है, आदमी के ऊपर है जितनी चीजों का गौ माता के गोबर से प्रयोग करना चाहेगा उतनी चीजें उनके सामने होंगी। जैसे कृष्णा जी, एक कुछ लोग या कुछ संप्रदाय के लोग गाय से बड़ी हेय रखते हैं, गाय के प्रति उनका एक अपना रवैया होता है, तो ऐसा क्यों है? वो इतना इतना मतलब इतना कठोर? हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया है और सर्व भवन्तु सुखिनः, हम लोग एक संकल्प या एक उद्देश्य है हमारा कि सर्व भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। और गौ माता के दूध में तो कुछ ऐसा वो नहीं है कि दोगलापन है कि एक धर्म को उनका दूध अमृत है, एक धर्म के लिए आपका जहर है। तो हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम गौ माता से कितने चीजों का दूध दही इन चीजों के कितना लाभ ले सकते हैं। अगर किसी के सोच में है कि गौ माता का हम सेवन, गौ माता के दूध का दही का सेवन नहीं करेंगे या गौ माता का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसकी विचारधारा है, उसकी विचारधारा को ना हम बदल सकते हैं ना कोई बदल सकता है। ये है कि अपना लक्ष्य जो होता है आदमी को अपने लक्ष्य पे चलना चाहिए। गाय बूढ़ी हो जाए उनको काट के उनका गोमांस के बेच दे तो गोमांस किसे कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा, एक गाय पे 8,000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही गाय अगर जीवन पर्यंत हमें गोबर दे रही है, गौमूत्र दे रही है और गोबर का कुछ इस्तेमाल कर या बिजनेस कर, गौमूत्र से हम गोबर का बना के जैविक खाद बना के आज चीजों का वो करके तो हम अच्छी खासी अपनी लागत को भी सुधार सकते हैं और अपना जो बिजनेस है बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में कृष्णा शुक्ला जी, उन्होंने एक एक बड़ा अच्छा नया उदाहरण पेश किया और एक अजीब सी लोगों के दिमाग में जो भ्रम था, जो लोग गाय के प्रति जो अजीब से विचार रखते थे उनके लिए एक सकारात्मक सोच रखी कि गाय एक ऐसी चीज है जिसको आप काटते हो तो आप बहुत कम पैसा कमाओगे, अगर गाय को आप पाल के आगे समय तक रखते हैं रुपये उसके जीवन पर्यंत आप कमा सकते हैं, तरीका आपके हाथ में, आप कैसे कमाओगे। जैसे हमें अभी कृष्णा शुक्ला जी ने बताया कि गाय के मूत्र से कितनी चीजें बनती है, हमारे सोच से परे चीजें आज हमने सोचने को मिली है। और जैसे गाय का गोबर है, आपने बताया गाय के गोबर से कितनी चीजें बन सकती है, कितना जगह मतलब कितना काम हो सकता है गाय के गोबर से। इवन इन्होंने कहा कि उसमें हमारे जो मकान में प्लास्टर होता है उससे, गाय के गोबर से हमारे वहां इन्होंने धूप बनाने के तरीके बताए, इतनी चीजें बता दी, कपड़े बन रहे हैं उस गाय के गोबर से। तो अगर आदमी इसको ध्यान से देखे, और गौ तो वो माँ है, जब हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है जिस माँ को दूध नहीं उतरता, तो केवल गाय का दूध एक ऐसा दूध है जिस दूध से उस बच्चे में पाचन आ सकता है या उस दूध को पचा सकता है।